नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। चल बच्चों के सुनहरे भविष्य का सवाल हो या फिर खुद के रिटायरमेंट की प्लानिंग, दोनों ही लक्ष्यों के लिए आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू कर दें उतना ही आपको फायदा भी मिलेगा। आपको इन दोनों ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खास तरह के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी भी है, नाम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो क्या है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड? सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में कैसे आप निवेश कर सकते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की तमाम बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ फिनसेफ इंडिया के फाइनेंशियल एजुकेटर मृण अग्रवाल जुड़ी हैं। मृण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शो में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और मृण से अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। ट्विटर और फेसबुक के हमारे पेजेस पर इस वक्त ये शो लाइव है, वहां पर आपको जाना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल टाइप करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को शो में शामिल कर पाए। तो मृण, सबसे पहले बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की, जिनके जरिए जो है हम अपने रिटायरमेंट के और बच्चों के तमाम लक्ष्यों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जरा इस कैटेगरी के बारे में ही विस्तार से समझाइए। पिछले साल सेबी ने इक्विटी फंड्स की काफी कैटेगरीज बनाई थी। इसमें से एक कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसके तहत आप अपनी रिटायरमेंट के लिए या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अभी तक ये दो मेन कैटेगरीज हैं, एक रिटायरमेंट की है और एक चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए है। ये जो फंड्स होते हैं इनमें ज्यादातर एक लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल का, या रिटायरमेंट या बच्चे के मेजर हो जाने का जो भी पहले आता है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लॉक इन पीरियड रहता है ताकि जो आपका पैसा है वो बना रहे और आप इन्वेस्ट करते रहें इसमें और निकाले ना। दूसरी बात जो है, इसमें अलग अलग टाइप के एलोकेशन देखने को मिलते हैं। कुछ फंड्स में ज्यादा डेट में एलोकेशन रहता है और कुछ फंड्स में ज्यादा इक्विटी में एलोकेशन रहता है। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स क्या होते हैं ये तो आपने बखूबी समझ लिया, और कैसे जो है आप इसके जरिए अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि दो तरह की कैटेगरी है जिनके लिए आप जो है इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके जो है इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। मृण, सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन फंड्स की। जरा चिल्ड्रन फंड्स की तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों को समझाइए। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जो बात है वो लॉक इन पीरियड की रहती है कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है या व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अ मेजर, व्हिच एवर इज अर्लियर। दूसरी जो बात है कि इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और आप महीने महीने में निवेश कर सकते हैं। टिपिकली इसमें दो टाइप के फंड रहते हैं जैसे मैंने कहा, बट जो जिसमें ज्यादा इक्विटी रहती है उसमें आपको ऑफकोर्स इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको अगर आपका 1 साल के ऊपर जो गेन हुआ अगर वो 1 लाख के ऊपर है तब आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें डेट में ज्यादा एलोकेशन होता है, उसमें ऑफकोर्स डेट टैक्सेशन रहेगा। बिल्कुल। तो डेट टैक्सेशन जो है वो आपको चुकाना पड़ सकता है, जिसमें इक्विटी का ज्यादा आपको एलोकेशन मिलेगा वहां पर इक्विटी के मुताबिक जो है टैक्सेशन भी लगेगा। लेकिन मृण, जब बात आती है बच्चों के लिए लक्ष्य सेट करने की, जब हमारे पास एक इक्विटी जैसी कैटेगरी मौजूद है, क्योंकि बच्चों के जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं तो अक्सर वो लंबे समय के लक्ष्य होते हैं, तो ऐसे में चिल्ड्रन फंड के ऐसे क्या क्या फायदे हैं जो एक निवेशक के लिए सही साबित हो सकता है? ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ निवेश करें, उनकी जो आगे की जो पढ़ाई है जो बहुत महंगी भी है आजकल, उसके लिए वो पहले से पैसे जमा करना शुरू करें। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका अगर आप जानते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप रेगुलर फंड भी चूज कर सकते हैं। पर ज्यादातर मैंने क्या देखा है ना
लगा कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि कौन सा स्कीम खरीदें। दूसरी बात जो होती है कि अच्छा आपने स्कीम खरीद ली ये सोचकर चलो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है, फिर बीच में अगर आपको कोई जरूरत आ पड़ी तो नॉर्मली देखा जाता है कि लोग उसमें से निकाल लेते हैं और फिर वो बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ और यूज करते हैं। तो इस फंड के जरिए अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए बचत कर रहे हैं, आप एक तो बिकॉज ऑफ द लॉक इन आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, और दूसरा अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन सा फंड चूज करें, मल्टी कैप चूज करें, मिड कैप चूज करें, तो ये फंड बेहतर रहते हैं। तीसरी बात ये है कि सिंस ये बैलेंस फंड की तरह होते हैं, इसमें इक्विटी भी होता है और इसमें डेट भी होता है, तो जो इन्वेस्टर हैं जिनको ज्यादा मतलब फुल रिस्क नहीं लेना है उनके लिए ये बेहतर रहता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो चिल्ड्रन फंड में आप अपना पैसा जो है लगा सकते हैं और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव आप रख सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस बीच में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू मैम, बहुत दिन से डाला हुआ था, पहली बार लगा जी। अपना सवाल पूछिए। हाँ एक्चुअली मैं मेरा 5 फंड में निवेश है अभी फिलहाल, 20,000 का SIP चालू है, जिसमें SBI का हाइब्रिड फंड है जी, जिसमें 5,000 का है मल्टी कैप है जिसमें 5,000 है, और एक स्मॉल कैप है SBI का जिसमें 2,000 का है, और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 4,000 और एक्सेस ब्लू चिप में 4,000 का है। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये सही है स्ट्रेटजी, और उसमें भी जो बैलेंस फंड है को हमको 5 साल बाद चाहिए रिटर्न, मतलब 5 साल में हमको पैसा निकालना है बच्चे की पढ़ाई के लिए, इसलिए मैंने बैलेंस फंड में और 4 लाख रुपया और डाला है, एक मुश्त डाला है बैलेंस फंड में, तो वो 5 साल बाद चाहिए था मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए, और ये सब वेल्थ क्रिएशन के लिए जो मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मेरा ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मृन जैसा कि संजय जी ने बताया इनके पोर्टफोलियो में इस वक्त जो है करीब 5 फंड शामिल हैं जिसमें SBI इक्विटी, मैग्नम मल्टी कैप, स्मॉल कैप और साथ ही मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप फंड शामिल हैं। तो क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या इनके पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है? जो इनके फंड्स हैं वो तो सही लग रहे हैं, इन्होंने स्प्लिट किया है, मैं देख रही हूँ मल्टी कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज एंड मिड कैप और लार्ज कैप में, इन्होंने एक बैलेंस फंड भी किया है जो ठीक है, बट इनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 साल बाद इनको जो बैलेंस फंड में जो अमाउंट है वो उनको चाहिए, तो थोड़ा उनको इन्फ्लेशन का ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर अगर हम अज्यूम करते हैं कि बैलेंस फंड में करीब 9% का रिटर्न आता है जो इन्होंने SIP करी हुई है और जो इन्होंने लमसम अमाउंट किया हुआ है, करीब करीब इनको 5 साल के बाद 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो पहले तो इनको मतलब मैं बस बता रही हूं कि इनको करीब 9-10 लाख की तरफ मिल सकते हैं, बाकी इनके फंड्स बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल, तो संजय जी आपके फंड्स का जो सिलेक्शन है वो सही है, बस हम उम्मीद यही करते हैं कि आप आसानी से अपने लक्ष्यों को जो है हासिल भी कर लेंगे। खैर मृन, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम चूंकि बात कर रहे थे चिल्ड्रन फंड की, ऐसे में आप क्या सलाह देती हैं कि चिल्ड्रन फंड में एक व्यक्ति को कब जो है निवेश शुरू कर देना चाहिए और इसमें से हम पैसे जो है वो अपने बच्चों के लिए कब निकाल सकते हैं? इसमें से जब बच्चों की हायर स्टडीज का टाइम आता है तो मैं तो रिकमेंड करूंगी, वैसे तो 5 साल का ही लॉक इन है बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इसमें निवेश किया है, तो इसको 5 साल में निकालने में कोई फायदा नहीं है, और जब आपको जरूरत पड़ती है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जब जरूरत पड़ेगी तो तब तक तो सर्टेनली आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मृन, अभी तक तो हमने बात की थी चिल्ड्रन फंड की, लेकिन एक हमारा जो जिंदगी का दूसरा लक्ष्य होता है और सबसे अहम लक्ष्य ये होता है कि हमें अपने रिटायरमेंट को सेफ और सिक्योर बनाना होता है, तो ऐसे में रिटायरमेंट फंड्स जो है वो कितने मददगार साबित हो सकते हैं?
वो भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वही प्रॉब्लम जो चिल्ड्रन जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें फेस होता है कि अगर हमें बीच में कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई तो हम निकाल देते हैं और हम किसी और चीज के लिए अपने पैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या NPS है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक स्कीम है रिटायरमेंट फंड, जिसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल या रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर उतना लॉक इन रहता है। बट मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप रिटायरमेंट तक इसमें बने रहें। बिल्कुल, तो रिटायरमेंट तक जो है वो आपके लिए बने रहना जो है इन फंड्स में ठीक साबित हो भी सकता है, लेकिन क्या हम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसके बाद क्या इसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है, कब हम अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं, और टैक्सेशन बेनिफिट्स क्या इसमें कुछ मिलते हैं? इसमें जनरली ATC का बेनिफिट मिलता है इसके इन्वेस्टमेंट पर, तो ये इसमें एक और खूबी है कि इसमें ATC का बेनिफिट भी मिलता है। और इसमें लॉक इन जो होता है वो ऋण कब तक का रहता है, कब तक जो है एक व्यक्ति इसका इसमें से अपना पैसा निकाल सकता है? 5 साल या रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल, तो 5 साल या फिर रिटायरमेंट जितना भी आपका समय जो पहले पड़ेगा वो आप उसमें जो है निकाल सकते हैं, और ATC के तहत जो है इन फंड में निवेश करके आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा भी उठा सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ है महेश साठे का पुणे से आया हुआ है। ये जानना चाहते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। मृन, इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है, कई दर्शकों का जो है ये सवाल रहता है अक्सर हमसे कि एक्सपेंस रेशियो आखिरकार क्या होता है, और अगर इनके फंड का फर्ज कीजिए कि प्रदर्शन 2% खराब है तो ऐसे में क्या इनका इसका मतलब निकाला जाएगा, क्या इनका प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाएगा? तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड चलाने के लिए उनके वेरियस कॉस्ट आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आता है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट आता है, मार्केटिंग कॉस्ट आता है, अलग अलग कॉस्ट आते हैं जो मिलकर एक्सपेंस रेशियो बन जाते हैं। टिपिकल एक्सपेंस रेशियो के लिए भी सेबी ने काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एसेट्स फंड के एसेट साइज को लेकर उसके बेस्ड ऑन दैट दी एक्सपेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड। नाउ इनका ये सवाल है कि अगर मेरे फंड देखिए, जो आपको जो NAV दिखती है, जो NAV पब्लिश होती है वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस पब्लिश होती है। तो अगर आपका फंड का रिटर्न माइनस, अगर आपका फंड का रिटर्न 2% दिखा रहा है तो जो वो 2% दिखा रहा है वो ऑलरेडी नेट ऑफ एक्सपेंसेस दिखा रहा है। तो महेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। अच्छा ब्रेन, हम चूंकि बात कर रहे थे रिटायरमेंट फंड्स की, उसमें जो अक्सर लोग पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कुछ इमरजेंसीज होती हैं जिसके लिए लोगों को पैसा जो है वो पहले निकालना पड़ सकता है, तो क्या 5 साल का जो ये लॉक इन पीरियड होता है उस दौरान अगर किसी को कोई इमरजेंसी आती है तो क्या अपना पैसा इन फंड से निकाल सकता है? एक्चुअली फंड के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने देखा है आजकल कुछ फंड्स हैं जिसमें शायद एग्जिट लोड नहीं है, बट आई थिंक टिपिकली 5 साल तक तो आपको के पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो 5 साल से पहले जो है वो आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कई फंड्स ऐसे हैं जो आपको ये सुविधा भी देते हैं। लेकिन ये जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं इनमें अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो क्या ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं या डेट ओरिएंटेड होते हैं, या हम अपने अकॉर्डिंगली यानी कि जिस तरह का जोखिम हम उठाना चाहते हैं उस हिसाब से जो है हम फंड चुन सकते हैं? बिल्कुल, इसमें दोनों टाइप के फंड होते हैं। इसमें डेट ओरिएंटेड होता है, बैलेंस फंड भी होता है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड भी होता है।
कुछ फंड्स में ये सब ऑप्शंस रहते हैं, कुछ फंड्स में एक ही ऑप्शन रहता है बैलेंस फंड का। जो पुराने फंड्स है उसमें मैं देखती हूँ कि ज्यादा बैलेंस फंड का ही टाइप ऑफ ऑप्शन है। कुछ जो नए फंड्स आ रहे हैं उसमें आजकल आपको ऑप्शन रहता है कि आप जितना जोखिम उठाना चाहते हैं आप उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर मैंने देखा है जो ज्यादा फंड्स हैं मार्केट में वो ज्यादा बैलेंस फंड्स ही हैं। एक एक तीन चार फंड्स होंगे जिसमें आपको दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं। बिल्कुल, तो आपकी जोखिम उठाने की कितनी क्षमता है उसके मुताबिक जो है आप फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मृण, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब हमारे पास मार्केट में इतने सारे फंड्स मौजूद हैं, इक्विटी के तौर पर कई ऑप्शंस है, डेट के तौर पर कई ऑप्शंस है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड जिसमें ये चिल्ड्रन फंड है और रिटायरमेंट फंड है, ये फंड्स जो है किस तरह के निवेशकों के लिए ठीक रहते हैं? क्या नए निवेशक जो है जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है वो इन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं? हाँ, मैं समझती हूँ कि जो नए निवेशक हैं जिनको जानकारी नहीं है, जिनका पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास एडवाइजर नहीं है पता करने के लिए कि हम कौन सी स्कीम में पैसे डालें, वो लोग सर्टेनली ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये बैलेंस फंड्स की तरह हैं, तो इसमें हम इक्विटी फंड्स की तरह रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इनको इक्विटी फंड्स के साथ कंपेयर करना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस फंड्स की तरह हैं। तो वो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये बात जो है आपको ध्यान में जरूर रखनी पड़ेगी जिस तरह से मृण ने भी आपको बताया है। खैर मृण, अब वक्त आ चुका है कि हम जाने आपके फेवरेट फंड्स जो हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन फंड्स के बारे में। कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आप रिकमेंड करती हैं जिनमें निवेशक जो है पैसा लगा सकते हैं? HDFC चिल्ड्रंस प्लान सर्टेनली एंड ICICI चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, इन दोनों में आप पैसा लगा सकते हैं। ये काफी पुराने भी हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट फंड्स के बारे में, तो कौन से आप फंड्स जो हैं आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगी? HDFC रिटायरमेंट फंड एंड टाटा रिटायरमेंट फंड में प्रोग्रेसिव ऑप्शन जो है जिसमें ज्यादा इक्विटी है। टाटा में एक्चुअली तीन फंड्स हैं, तो मैं जो रिकमेंड करूंगी वो है प्रोग्रेसिव ऑप्शन जिसमें ज्यादा इक्विटी एलोकेशन है। बिल्कुल, तो ये जो है मृण के पसंदीदा फंड्स हैं जिनमें आप भी निवेश कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो जरूर हासिल होगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया मृण हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिरकार सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के साथ कैसे वो अपने भविष्य की प्लानिंग के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही।